पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर मानसून एक्टिव रहा है। सक्रिय मानसून का हमारे पास एक जगह एक्सट्रीमली रेनफॉल इवेंट ऑब्जर्व हुआ, जिसमें झारसुगुड़ा किरमारा में 215 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा 11 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल, 18 जगह पर हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया है। अगर बात करें आज के स्टेटस की, तो रेनफॉल में 27.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य 13.5 मिलीमीटर से 103% एक्सेस रेनफॉल है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की, तो जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर बात कर, लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है, जो कि नॉर्थ उड़ीसा और ज्वाइनिंग गैंगटिक वेस्ट बंगाल झारखंड के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा ट्रफ की पोजीशन गंगानगर नारनौल अलीगढ़ वाराणसी डाल्टनगंज लो प्रेशर सिस्टम के सेंटर से होते हुए ईस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल तक जाते हैं, जिसकी एक्सटेंट 0.9 किलोमीटर समुद्र तल से। और एक जो इन सिस्टम के प्रभाव कारण आज जो उड़ीसा में पूरा वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे वन में यहाँ सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बालगढ़, सोनपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके बाद मयूरभंज, केवंझर, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, बोध, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेज में हैवी रेनफॉल होने की संभावना के कारण। डे टू में 17 तारीख को भी मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालगढ़, सोनपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेज में हैवी रेनफॉल होने की संभावना के कारण। 18 तारीख को भी कोस्टल उड़ीसा और साउथ उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर येलो वार्निंग दी गई आइसोलेटेड प्लेसेज में हैवी रेनफॉल होने की संभावना के कारण। 19 तारीख को भी हमारे साउथ उड़ीसा में और मयूरभंज, केवंझर, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर, मुल्तानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेज पे येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए। इस बार 20 तारीख को भी आइसोलेटेड प्लेसेज पे वेरी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और उसके अलावा जो बाकी येलो रीजन देख रहे हैं वहां पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इस वजह से 20 तारीख को येलो वार्निंग दी गई है। हम बात करते हैं हमारे जो सीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरऑल उड़ीसा में अभी तक जो 285.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है, जो कि सामान्य से -23% है, जो कि दो दिन की बारिश में 5% की रिकवरी दर्ज की गई है।